कमलनाथ जी मंत्री थे तब रोड कैसे थे और आज कैसे रोड है ये आप ही बताइए। अच्छे रोड बने हैं, अनेक योजनाओं के द्वारा गरीबों का भला हुआ है, अनाज मुफ्त में मिला है, कोविड के समय आपके स्वास्थ्य की रक्षा की गई है। इतना ही नहीं तो मध्य प्रदेश में विशेष रूप से स्वास्थ्य विषय की योजनाएं हो, चाहे गैस सिलेंडर उसके कनेक्शन देने की बात हो और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, हर योजना में जनता का कल्याण किया गया है। कांग्रेस के राज में कांग्रेस को भी आपने अवसर दिया। आपको पता होगा कि विशेष रूप से जब हमारी स्वाधीनता के 75 साल हमने पूरे किए हैं, इस 75 साल में से करीब 60 साल कांग्रेस को राज्य करने का मौका मिला है। ग्राम पंचायत में कांग्रेस, पंचायत समिति में कांग्रेस, जिला परिषद में कांग्रेस, नगर पालिका महानगर पालिका में कांग्रेस, राज्य सरकार कांग्रेस की, भारत सरकार कांग्रेस की। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, पर किसकी गरीबी हटी है? ये परासिया में रहने वाले गरीब लोगों की गरीबी हटी? नहीं हटी। पर जो गरीबी हटी है वो भी मान्य करनी होगी। गरीबी अगर दूर हुई है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की गरीबी दूर हुई है। गरीबी दूर हुई है तो कांग्रेस पार्टी के चेले चपाटों की गरीबी दूर हुई है। न जात पर न बात पर, इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर। एक पांव डटाओ गरीबी हटाओ, यही चल रहा है। आज पहली बार आप देख रहे हैं कि रेलवे में ब्रॉडगेज बन गई, रोड तो ऐसे बन गए हैं कि मैं जब यहां प्रचार के लिए आया था तो अभी अध्यक्ष जी को मैं बता रहा था, जिले के अध्यक्ष जी को, कि मैं जब जा रहा था गाड़ी से आया था तो मुंडे साहब और मैं दोनों साथ में थे। हम छिंदवाड़ा जिले का दौरा कर रहे थे तो उतने में हमें एक स्कूटर पर बैठा हुआ आदमी अपने पत्नी को लेकर जा रहा था और बार बार पीछे मुड़कर हमको देख रहा था। तो मेरे साथ बैठे हुए कार्यकर्ताओं ने कहा, देखो वो आपको देख रहा है और हाथ हिला रहा है। अरे मैंने बोला वो हमको नहीं देख रहा है, वो हाथ लगाकर देख रहा है अपने पत्नी को कि है कि गिर गई, है कि गिर गई। ये हालत मध्य प्रदेश की थी, छिंदवाड़ा जिले की भी थी। नागपुर से छिंदवाड़ा जाने के लिए कितना समय लगता था? 5 घंटे। अब कितना लगता है? 3 घंटे किसने कम किए आप ही बताइए। ऐसे रोड बनाए हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। अब तो मैं छिंदवाड़ा से नागपुर ब्रॉडगेज मेट्रो चलाने के लिए सोच रहा हूं, रेलवे मंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद। और हमारी मेट्रो 140 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जाएगी और 1 घंटे में नागपुर से छिंदवाड़ा पहुंचेगी। ऐसी मेट्रो हम शुरू कर रहे हैं। यहां की कोल माइन तो है पर और 2 कोल माइन खुल रही है जिसके कारण यहां रोजगार निर्माण होगा, किसानों के फसल के सही दाम मिलेंगे, युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने के लिए अच्छे रोड, खेती को पानी, हर हाथ को काम और खेत को पानी, ये सपना अगर पूरा करना है तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में 10 साल में जो मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली हुई है उसको और मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश को देश के विकास में पहले क्रमांक का विकसनशील राज्य करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए।
आप एक ही काम करिए, चुनाव के दिन कमल की बटन दबाइए, ऐसा करंट लग जाएगा कि कमलनाथ और राहुल गांधी अपने कुर्सी से 4 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। वो ताकत आप में है, केवल बटन दबा दो और बाकी बातों को भारतीय जनता पार्टी पर सौंप दो। जो नहीं हुआ है वह होगा, फिर से एक बार डबल इंजन के द्वारा बुलेट ट्रेन के स्पीड से मध्य प्रदेश के विकास की ट्रेन तेजी से दौड़ेगी, मध्य प्रदेश का विकास होगा, किसानों को फसल का सही दाम मिलेगा, हमारे मजदूर भाई है जो कोयला माइन में काम करते हैं उनको रोजगार मिलेगा, ट्रांसपोर्ट ट्रक ट्रांसपोर्ट इनको काम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो गांव का होटल, गांव का कपड़े का दुकान, गांव का किराने का दुकान चलेगा और परासिया समृद्ध और संपन्न बनेगा। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे इस क्षेत्र से हमारी बहन ज्योति जी चुनाव लड़ रही है, उनकी कमल के फूल की निशानी है और कमल के फूल की निशानी की बटन दबाकर उनको प्रचंड मतों से विजयी करिए और फिर से एक बार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाइए। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार और ये बुलेट ट्रेन डबल इंजन लेकर दौड़ेगी, आपकी सब समस्या सुलझाएगी और आपकी अपेक्षा को हम पूरी करेंगे। यही विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, यही अपील करते हुए मुझे जल्दी ही 1 बजे ही संसद में पहुंचना था और इसलिए मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार आपको सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।